हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का 22वां रोमांचक मुकाबला, जहां पर डेब्यूट करते नजर आए सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। तो वहीं आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर के लिए दूसरा शतक जमाने वाले खिलाड़ी बने वेंकटेश अय्यर। जी हां, पहला शतक जमाया था ब्रैंडन मैकल्लम ने, जो 2008 पहला ही सीजन पहला ही मुकाबला था वहां पर ब्रैंडन मैकल्लम की शानदार पारी थी। उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने केकेआर की तरफ से शतकीय पारी नहीं खेली, लेकिन वो भी सूखा खत्म करते नजर आए वेंकटेश अय्यर। और जिस तरीके से लास्ट में कुछ अच्छी पारी आंद्रे रसल ने खेली, चर्चा बनी भी है कि क्या आंद्रे रसल का बल्ला यहां पर अब फिर से गरजने के लिए तैयार हो चुका है। और आखिर क्यों अर्जुन तेंदुलकर बल्लेबाजी छोड़कर यहां गेंदबाजी में इतना इंटरेस्ट दिखाते नजर आए, ये सब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। डेबिट कैप किसने सौंपी अर्जुन तेंदुलकर को, यह भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ रोहित शर्मा इस मुकाबले को मिस करते नजर आए एज अ कैप्टन के रूप में, तो वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आए ऐसी चर्चा बनी भी है। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा का भी मुकाबला मिस करना बहुत ज्यादा सवाल या निशान खड़े करता है, क्योंकि अभी तो सीजन की शुरुआत हुई है, 10 से ज्यादा करीब मैच अभी मुंबई इंडियंस की टीम को अभी और खेलने हैं। लेकिन जिस तरीके से इस चौथे पांचवे मुकाबले में ही कहीं ना कहीं मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा बेंच पर बैठे, ये चर्चाओं में है। लेकिन आपको सारी जानकारी दे उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो MI वर्सेस KKR के बीच ये शानदार मुकाबला खेला गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर, जहां मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 थी। ईशान किशन, कैमरन ग्रीन, तिलक वर्मा नंबर 4 पर यहां पर हमें देखने को मिले, साथ ही इनके खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, निहाल वदेरा, अर्जुन तेंदुलकर, ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, द्वैन जैनसन, रैली मेरिडिट। द्वैन जैनसन को लेकर आपको बता दें कि जो मार्को येंसन हैदराबाद की टीम से अपना कहीं ना कहीं कमाल दिखाते हैं, उनके ही भाई हैं द्वैन येंसन। तो एक ये बड़ा करिश्मा था कि मतलब भाई डेब्यूट करता नजर आया और दूसरी तरफ अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिलता नजर आया यहां पर मुंबई की प्लेइंग 11 में। साथ ही साथ अब बात करें यहां पर KKR की प्लेइंग 11 की, अब यहां पर रोहित शर्मा नजर नहीं आए, रोहित की जगह कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संभाली और साथ ही साथ इनकी जगह बल्लेबाजी में हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रोहित नजर आए सेकंड इनिंग के दौरान। KKR की प्लेइंग 11 तो सेम थी जो पिछले मुकाबले में थी, पिछला मुकाबला क्लोजली हारे थे। KKR की प्लेइंग 11 में रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, जगदीश आनंद, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती हमें यहां प्लेइंग 11 में देखने को मिले। अब देखते हैं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ये किस खिलाड़ी को यहां पर गेंदबाजी के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर यहां पर जोर नजर आ सकता है KKR के लिए। लेकिन देखा जाए तो इस सीजन वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी नहीं कराई है, और वेंकटेश अय्यर ने पिछले सीजन जब गेंदबाजी करी थी तो कुछ विकेट चटका कर दी थी और रनों की गति पर रोक भी लगाने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस सीजन वो चीज नजर नहीं आई कप्तान नीतीश राणा की कप्तानी में। देखते हैं क्या अब यहां पर वो कमाल देखने को मिलेगा या नहीं, ये चर्चा में बना हुआ है कि किस तरीके से लगातार यहां पर जो विकेट का सिलसिला रहता है। वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो बड़ा ये स्टेडियम ज्यादा खास स्टेडियम है, चौके छक्कों की खूब बरसात होती है, लेकिन इतना भी नहीं बरसा पाए KKR के बल्लेबाज, फ्लॉप होते नजर आए KKR के कुछ बल्लेबाज। उम्मीद थी कि बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट इनिंग की बात होती है कोलकाता नाइट राइडर और मुंबई इंडियंस के बीच, उसको लेकर चर्चा रहती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी तो नहीं थी, इतनी भी बड़ी पारी नहीं थी, देखते हैं चेज हो पाती या नहीं। अब बात करें पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज और जगदीश आनंद। जी हां, 12 गेंद में सिर्फ 8 रन रहमानुल्लाह गुरबाज बना पाए, जगदीश आनंद तो खाता भी नहीं खोल पाए। ये चर्चाओं में रहेगा कि इस समय ओपनिंग को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जब गौतम गंभीर और
और रॉबिन उथप्पा ओपनिंग करने आते थे तो दोनों बल्लेबाज बहुत रन बरसाते, दोनों बल्लेबाजों का नाम ऑरेंज कैप की लिस्ट में चलता था। लेकिन आज का एक वक्त है कि मतलब इनकी ओपनिंग ही सबसे खराब चले, मिडिल ओवर के बल्लेबाज रन बनाते नजर आ रहे हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 12 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाया, पीयूष चावला ने इनका विकेट लेकर इनको चलता किया था। तो वहीं दुआन यानसन की बात करें तो उन्होंने कैच पकड़ा था, वहीं जगदीशानंद ने भी, कैमरन ग्रीन ने इनका विकेट लिया, रितिक शौकीन ने कैच पकड़ा। साथ ही साथ रायली मेरेडिट को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, रायली मेरेडिट ने बहुत शानदार गेंदबाजी करी क्योंकि आखिरी का ओवर डालने आए थे, ज़्यादा रन नहीं दिए थे। दुआन यानसन का डेब्यूट खराब रहा क्योंकि 4 ओवर में 53 रन लुटाते नजर आए दुआन यानसन, लेकिन पहला मैच था, अंडर प्रेशर हो गया होगा यहाँ पर जिस तरीके से रन बरसाए थे वेंकटेश्वर ने। अब वेंकटेश्वर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए, कप्तान नीतीश राणा नंबर 4 पर आए। पहला विकेट केकेआर का 11 रन पर गिरता है, दूसरा विकेट केकेआर का 57 रन पर गिरता है, 10 रन प्रति ओवर यहां तक तो बन रहे थे, लेकिन फिर तीसरा विकेट 73 रन पर गिरता है और चौथा विकेट फिर आता है 123 रन पर। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेज दिया जाता है, जबकि आपके पास रिंकू, आंद्रे रसल, सुनील नारायण जैसे बल्लेबाज होते हैं, लेकिन इस बीच शार्दुल ठाकुर आते हैं और 11 गेंद में सिर्फ 13 रन ही बनाते हैं क्योंकि दूसरे छोर से वेंकटेश अय्यर की फायर पावर हमें देखने को मिल रही होती है, लेकिन वो भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं रहते। शौकीन अच्छी गेंदबाजी करता है, खिलाड़ी 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाता है जिसमें नीतीश राणा और शार्दुल ठाकुर का रहता है, बैक टू बैक नहीं, ओवर दर ओवर यहां पर अंतराल दर अंतराल विकेट गिरता नजर आता है। तो मिडिल ओवर में थोड़ा रनों की गति पर रोक लगा, रन बन सकते थे और जैसा कि हम देखते आए, लेकिन जैसे नीतीश राणा ने 10 गेंद खेली सिर्फ 5 ही रन बनाया, शार्दुल ठाकुर ने 11 गेंद खेली 13 रन ही बनाया, तो वहीं रिंकू सिंह ने भी आज 18 गेंद खेली और सिर्फ 18 ही रन बनाया। तो ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि इन तीन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 100 के आसपास रहा या 100 से कम रहा, तो ये अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात थी क्योंकि इन तीनों ही बल्लेबाजों का देखा जाए तो करीब 4 ओवर से ज्यादा, यहां पर 5-6 ओवर से ज्यादा बल्लेबाजी कर गए लेकिन ज्यादा रन नहीं बना पाए। आंद्रे रसल ने लास्ट में 11 गेंद में 21 रन, 3 चौके 1 छक्के की बदौलत मारा, लेकिन सबकी नजरें तो वेंकटेश अय्यर पर टिकी हुई थी। वेंकटेश अय्यर ने 51 गेंद में 104 रन की पारी, 6 चौके 9 छक्के 203 के स्ट्राइक रेट से खेली, ये करिश्मियाई पारी है और इस पारी के दम पर वेंकटेश अय्यर चर्चाओं का विषय काफ़ी बन चुके हैं। इससे पहले इस सीज़न 84 रन की पारी खेल चुके हैं और आपको बताएं कि किस तरीके से वेंकटेश अय्यर ऑरेंज कैप की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए हैं। डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, जॉस बटलर, फैब डू प्लेसिस जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को पछाड़ते हुए 5 मैचों में 46 की एवरेज और 170 के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ऊपर यहाँ पर वेंकटेश अय्यर है और छक्के मारने के मामले में भी यहाँ पर अभी सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं क्योंकि 9 छक्के इस मुकाबले में बरसाते नजर आए थे वेंकटेश अय्यर। तो इस तरीके से इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया और साथ ही साथ केकेआर के लिए दूसरा शतक बनाने वाले ये खिलाड़ी बने। पहला शतक ब्रैंडन मैकल्लम ने बनाया था 15 साल पहले और ये दूसरा शतक यहाँ पर आता नजर आया। रायली मेरेडिट ने जब इनका विकेट चटकाया था तब टीम का स्कोर 17.2 ओवर तक 159 रन था 5 विकेट के नुकसान पर। करीब 49 गेंद में उन्होंने अपना शतक पूरा किया था, लेकिन जिस तरीके से 9 छक्के लगाए 6 चौके लगाए ये चर्चा का विषय था, चाहे अर्जुन तेंदुलकर हो चाहे कोई भी गेंदबाज, सबको यहाँ पर छक्के लगाते नजर आए। अर्जुन तेंदुलकर की बात करें तो 2 ओवर में 17 रन दिया अर्जुन ने और 2 ही ओवर इनसे कराए गए 23 साल का ये खिलाड़ी, लेकिन इसके अलावा कोई गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। देखते हैं बल्लेबाजी में कौन से नंबर पर भेजे जाते हैं, एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात केकेआर ने सिर्फ 185 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाया। आंद्रे रसल ने थोड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश करी थी लेकिन कामयाब उतने नहीं हो पाए। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कैसे मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को चेस करती है वानखेड़े के मैदान पर, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमों के लिए दो दो अंक बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंबई के लिए 4th मुकाबला है, कोलकाता के लिए 5वां मुकाबला है। कोलकाता का नेट रन रेट अच्छा है इसी वजह से कोलकाता 5वें नंबर पर है, वरना चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद सभी दो दो पॉइंट दो दो मैच जीती है, लेकिन केकेआर उन सबसे ऊपर है क्योंकि उनका नेट रन रेट अच्छा है।